हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में आप देखने जा रहे हैं ये बहुत नेचुरल डे लुक जो कि मैंने रक्षाबंधन के लिए किया है, लेकिन आप किसी भी ओकेजन पे कर सकते हैं। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज किए हैं और कोई भी एज ग्रुप इसे ट्राई कर सकता है। मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फैशन, फूड, फिटनेस और लाइफ, लेकिन सब कुछ सिंप्लीफाइड। शुरू करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, ये जो मैंने पहना है ये शरारा पहना हुआ है। जब आप फुल लुक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे कूपन्स आए थे अमेज़न से, तो मैंने उससे ये शरारा मंगवाया जिसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है 7500 है, लेकिन मुझे डिस्काउंटेड रेट पे मिला है 3000 का, ओनली फॉर 3000, मतलब मोर देन 50% डिस्काउंट मुझे उस पर मिला। इसलिए मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं अनदर सेट ऑफ वीडियोस डालती हूँ। एक बात और फ्रेंड्स, आप हमेशा बोलते हैं कि मैं हेयर स्टाइल नहीं दिखाती हूँ, तो आज ये हेयर स्टाइल भी मैंने दिखाई है जो कि मैंने खुद बनाई है, इजी सी हेयर स्टाइल। आई होप यू ऑल लाइक इट। तो सबसे पहले मैं लगाने जा रही हूँ लैक्मे की टिंटेड सनस्क्रीन, क्योंकि दिन का टाइम है। अब डेक्स लगाने जा रही हूँ मैं ये लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन। इसका B007 नंबर है जो मुझे सूट करता है, आप अपनी स्किन शेड के हिसाब से ले लीजिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये ना मैंने अपने पूरे फेस के ऊपर जो है डॉट्स इसके लगा दिए हैं। अब इसे मैं तो फिंगर से ही ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से बस। के नीचे फ्रेंड्स, हमेशा मैं कहती हूँ कि डैब ही करके लगाइए, ज्यादा रगड़िए मत। बहुत सेंसिटिव स्किन होती है आंखों के नीचे की, बहुत डेलिकेट होती है। यही हल्की सी उंगली जो है लिड्स के ऊपर घुमा देंगे, बहुत थिक हमें आंखों के ऊपर नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, तो ऐसा सोचिए नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है ये बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे एक दो मार्क्स दिख रहे हैं, ये मैंने जान के दिखने दिए हैं बहुत ज्यादा नेचुरल लुक के लिए। प्लस थोड़ा सा फाउंडेशन लिप्स पे भी लगा लिया है, इससे हमारी लिपस्टिक जो है वो ज्यादा देर तक स्टे करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस। आप चाहें तो लैक्मे का या कोई भी कंपनी का कॉम्पैक्ट भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, ब्रश से लेकर लगाइए ताकि बहुत केकी लुक नहीं आए, लेकिन मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। फिटमी है नंबर 25, ये मेबेलिन का पाउडर है, इसे मैं ब्रश से हल्का हल्का लगा लूंगी। ये जो है फ्रेंड्स बहुत काम की चीज है, मिस क्लेयर का जो आईब्रो किट है, इससे हम आईब्रोज भी फिल करेंगे, चाहे तो आंखों के नीचे भी लगा सकते हैं, और जो हमारे आई सॉकेट्स हैं आई शैडो के वो भी इसी से बनाएंगे। इसका ये जो डार्क वाला शेड है ये यूज करने जा रही हूँ अपनी आईब्रोज के लिए। एंगुलर ब्रश ले लीजिए या फिर इसके साथ भी एक छोटा ब्रश दिया होता है वो भी यूज कर सकते हैं। ये पतला सा ब्रश ले लिया है मैंने, ये एक्चुअली लिपस्टिक ब्रश है, लेकिन मैं मल्टीपर्पज मतलब मल्टी यूज कर लेती हूँ उन्हीं ब्रशेस के। तो मैंने इसमें जो लाइट वाला ब्राउन शेड है ये वाला, ये थोड़ा सा लिया और हम सॉकेट बना देंगे, ये ऑप्शनल है। जब सॉकेट बनाए तो ध्यान रखें कि ये ब्रो बोन के ऊपर ही, नीचे यहीं तक नहीं रहना चाहिए, थोड़ा ऊपर तक जाना चाहिए, तभी जो है आपका आई शैडो विजिबल होगा। और थोड़ा सा इधर उधर फैल जाए तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बाद में हम सब ब्लेंड कर लेंगे इसको। तो
अब मैंने ये छोटा वाला किट ले लिया है लैक्मे का 9 to 5 जो है, इसमें चार शेड आते हैं। मैं अपने फिंगर से ही हल्का ये जो पीच शेड आप देख रहे हैं इसमें ये ब्लेंड कर दूंगी, दिस वन। ये मैंने अपने रिंग फिंगर पे लगाया और इसे ऐसे करके सॉकेट के अंदर भर दूंगी, इनफैक्ट थोड़ा सा ऊपर तक भी ले जाऊंगी सॉकेट के ऊपर तक, ताकि वो मिक्स हो जाए। सेंटर से शुरू करेंगे फिर ऐसे फैला देंगे, पहले यहाँ सेंटर में लगाएंगे फिर स्प्रेड कर देंगे उसको, मॉन्च कर देंगे। हमारा सॉकेट और ये आई शेडो पूरा मर्ज हो गया है। इसी किट में ये जो गोल्डन शेड दिया है इसका मैं हाईलाइटर लगाऊंगी, इसमें जो छोटा सा एप्लीकेटर दिया है उससे बस ये ब्रो बोन एरिया पे, ये इतने हिस्से पे बस लगाऊंगी। बस अब मैं ये जो है लैक्मे एब्सोल्यूट काजल लगाने जा रही हूँ। अब इस काजल के पीछे ही ऐसा दिया हुआ है स्मच करने के लिए, जिसे मैं थोड़ा स्मच कर दूंगी एजेस। अब ये काजल फैले नहीं, जिसके लिए बहुत लोग लिखते हैं मुझे, उसका ये सोल्यूशन है। आपके पास अगर कोई भी कॉम्पैक्ट रखा हो, मेरे पास ये 50 Fit Me Maybelline का कॉम्पैक्ट रखा हुआ है, ये लीजिए, साथ में एक एंगुलर ब्रश लीजिए। नहीं है ये ब्रश तो कोई बात नहीं, कोई भी ब्रश ले लीजिए, बस ये लगाइए इसमें ऐसे और नीचे की तरफ लगा दीजिए इसको, बिल्कुल काजल से ना टच करा के लगा दीजिए। एक तो नीट भी हो जाएगा आपका काजल और पूरा दिन नहीं फैलेगा। और अगर बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम आपको फैलने की, तो आप ऐसे काजल फैलने की, तो आप ये कीजिए कि उसे काजल के ऊपर भी हल्का सा लगा दीजिए। सब ब्लश ऑन, जो भी ब्लश ऑन हो आपके पास ले लीजिए, लैक्मे का हो, मेबिलीन का हो, मेरे पास ये मिस क्लेयर का है, मैक का भी है, लेकिन आज मैं ये पीच शेड यूज करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी ड्रेस के साथ जा रहा है, इसलिए बस हल्का सा लिया। इसके लिए तो हमें ब्रश चाहिए होगा। इसके बाद शाइन तो बनती है, तो मैं ये लगाने जा रही हूँ मेबिलिन का मास्टर क्रोम, ये गोल्ड शेड है इसका। आप जो भी आपके पास शिमर अवेलेबल हो वो लीजिए और लगा लीजिए। मैं एक्चुअली ब्रश ऑन में ही मिक्स कर देती हूँ ताकि पूरी चीक्स पे और फेस पे वो ग्लो हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। और व्हाट्स इन माय थाली टुडे देखते रहिए। बस फेवरेट लिपस्टिक पेंसिल है आउटलाइन पेंसिल, लिप्स डोंट लाई बाय नायका, ये सबके साथ चली जाती है, मस्ट हैव है मेरे लिए ये। तो ये है PAC की लिपस्टिक, नंबर 34 है, ये बहुत प्यारा शेड है, ये लगा रही हूँ। ये जो है ये मिस क्लेयर की लिक्विड लिपस्टिक है, नंबर 50। ये ऑप्शनल है अगेन, लेकिन मुझे थोड़ा ब्राइट ऑरेंज का मन कर रहा है क्योंकि पीच है शेड, तो मैंने सोचा कि इसके साथ थोड़ा सा इसके ऊपर ये लगा लेती हूँ। इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू।
चलिए फ्रेंड्स, अब दिखाती हूँ अपना फुल लुक, लेकिन उसके पहले प्लीज डोंट गो, आज मैं खुद अपनी हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जो है ज्वेलरी इसमें कॉन्ट्रास्ट रखी है ग्रीन स्टोन वाली, क्योंकि पीच और ग्रीन बहुत सुंदर लगते हैं। ये छोटा सा जो है मांग टीका है, ये ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि मुझे पर्सनली मांग टीका लगाना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं लगा रही हूँ। मैंने ये टेल कॉम्ब ले ली है और मैं ये बालों को, जो ये वाले आधे बाल हैं, इन्हें लेके बैक कॉम्ब कर दूंगी लाइक दिस। क्योंकि मेरे बाल बहुत स्ट्रेट हैं और बिल्कुल इनमें जो है पफ वगैरह नहीं आता है, इसलिए ये बैक कॉम्ब करके मैंने जो है, अब मैं बैक कॉम्ब मतलब कॉम्ब नहीं छूंगी, अब मैं हाथ से ही करूंगी जो करना है। मैंने यहाँ से लेके आगे ऐसे अंदर की तरफ ट्विस्ट किए और अब यहाँ पे जो है मैं पिन लगा दूंगी, दो तीन पिन लगा देंगे ताकि जगह से हिले नहीं। डोंट गो बिफोर सीइंग द फुल लुक। Hope you found the video useful. Please subscribe, like, share, comment, and follow me on Instagram. Bye!